हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम सॉलिड स्टेट नैनो फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। काफी दिनों से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर बीसीएस थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, बहुत जगह से आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कनेक्टिविटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए सुपर कनेक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट देखिए, जैसे जैसे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है। इसी प्रकार से एच के ओनेस्ट नाम के फिजिस्ट थे, जो 1911 में उन्होंने क्या किया, जब वो मरकरी का टेम्परेचर कम कर रहे थे तो उसका जो रेजिस्टेंस था किसी भी दूसरे कंडक्टर्स की तरह वो पहले डिक्रीज हुआ विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आके जिसकी वैल्यू थी 4.2 केल्विन पर आकर मरकरी का जो रेजिस्टेंस था उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल खत्म हो गया। मीन्स मरकरी का जो रेजिस्टेंस था वो जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि मरकरी के अंदर करंट जो है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो होना शुरू हो गया। मींस मरकरी उस कंडीशन में बन गया था सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टिविटी ऐसा फिनोमेना होता है जब कोई सब्सटेंस अपना रेजिस्टेंस कंप्लीटली लूज कर जाता है और उसमें करंट जो है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो करता है, मीन्स बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, तो ऐसे फिनोमेना को बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी। और जो सब्सटेंसेस इस फिनोमेना को शो करते हैं, डेमोंस्ट्रेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर आकर ही सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना शो करते हैं, और उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है मोस्ट ऑफ द सुपर कंडक्टर्स के लिए कम रहती है। जैसे मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू थी वो 4.2 केल्विन थी, मीन्स जो मरकरी है वो 4.2 केल्विन पर आकर सुपर कंडक्टर बनता है। इसी प्रकार से जो अन्य सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए भी क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यूज रहती हैं वो लगभग 0 से लेकर 30 केल्विन की रेंज में रहती हैं। बट आज की डेट में हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी डिस्कवर किए जा चुके हैं। मीन्स ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे सुपर कंडक्टर्स भी डिस्कवर किए जा चुके हैं, बट आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सुपर कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी को, जिसका नाम है बीसीएस थ्योरी। देखिए स्टूडेंट्स, सुपर कनेक्टिविटी की डिस्कवरी हुई 1911 में। इसकी डिस्कवरी के साथ ही इस बात पर रिसर्च शुरू हो गई कि कोई सब्सटेंस जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर सुपर कंडक्टर क्यों बन जाता है, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सुपर कंडक्टिविटी, इस बात पर रिसर्च शुरू हो गई। और बहुत सारे फिजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की, जैसे दो ब्रदर्स थे एफ लंदन एच लंदन, उन्होंने अपनी लंदन थ्योरी दी सुपर कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, बट कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जो सुपर कनेक्टिविटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सके, उसको पूरी एक्सप्लेनेशन दे सके। तो 1957 में तीन फिजिस्ट बार्डिन, कूपर और श्रीफर ने मिलकर एक थ्योरी दी बीसीएस थ्योरी, जिसने बहुत अच्छे से सुपर कनेक्टिविटी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। और ये जो थ्योरी थी बीसीएस थ्योरी, ये वाइडली एक्सेप्टेड थी, मींस पूरे वर्ल्ड वाइड में ये एक्सेप्ट की गई और ये माना गया कि ये बीसीएस थ्योरी जो है वो सुपर कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। बार्डिन का बी लिया गया, कूपर का सी लिया गया, श्रीफर का एस लिया गया। इन तीनों नामों के पहले अल्फाबेट को मिलाकर इस थ्योरी का नाम पड़ा बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी को डेवलप करने के लिए बार्डिन, कूपर और श्रीफर को 1972 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया। बीसीएस थ्योरी जो बेस्ड है वो दो फिनोमेना पर बेस्ड है, एक है इलेक्ट्रॉन फॉर नॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन और एक है कूपर पेयर। तो आपको अगर बीसीएस थ्योरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे बीसीएस थ्योरी के, आइए वो देखते हैं। बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, many theories for the explanation of phenomena of superconductivity were proposed like London's theory etc. 1911 में superconductivity discover हुई, उसके बाद बहुत सारी theories आई जो ये कहती थी कि हम superconductivity को explain कर सकती हैं, जैसे कि London theory थी। London theory जो थी वो दो भाइयों ने मिलकर दी थी, उनके नाम थे F London and H London, but London theory भी जो थी वो भी completely superconductivity को explain नहीं कर पाई।
बट BCS थ्योरी 1957 विच इज नेम्ड आफ्टर इनिशियल्स ऑफ थ्री फिजिस्ट बार्डिन कूपर श्रीफर इज मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सुपर कनेक्टिविटी. बट जो BCS थ्योरी थी जो 1957 में आई थी जो कि तीन फिजिस्ट ने मिलकर दी थी जिनके नाम थे बार्डिन कूपर श्रीफर. बार्डिन का बी लिया गया, कूपर का सी लिया गया, श्रीफर का एस लिया गया. तीनों फिजिस्ट के अल्फ के नाम के पहले पहले अल्फाबेट को जोड़कर BCS थ्योरी का नाम पड़ा. और ये जो थ्योरी थी ये बहुत सक्सेसफुल रही, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुई सुपर कनेक्टिविटी को फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए. फॉर दिस थ्योरी बार्डिन कूपर एंड श्रीफर गॉट नोबल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1972. इनके लिए BCS थ्योरी के लिए बार्डिन कूपर श्रीफर को फिजिक्स का नोबल प्राइज दिया गया 1972 में. BCS थ्योरी एक्सप्लेन सुपर कनेक्टिविटी फिनोमेना बाय इन्वॉल्विंग टू टर्म्स नेमली इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन एंड कूपर पेयर. BCS थ्योरी जो थी वो मेनली दो टर्म्स के ऊपर बेस्ड थी, एक था इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन और एक था कूपर पेयर. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में इन्हीं दो टर्म्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन और कूपर पेयर पूरी तरह से सुपर कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में सक्षम है. तो आपने एग्जाम में इन दोनों पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना है, साथ में ये इंट्रोडक्शन लिखनी है और नेक्स्ट सेक्शंस में वन बाय वन हम इन दोनों फिनोमेना को, इन दोनों टर्म्स को अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं BCS थ्योरी ऑफ सुपर कनेक्टिविटी की पहली इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन. इसकी इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख के आएंगे आइए वो देखते हैं. इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन इज बेसिस ऑफ BCS थ्योरी. पूरी की पूरी BCS थ्योरी इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन पर बेस्ड है. दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वाज ओरिजिनली सजेस्टेड बाय फ्रॉलिक इन 1950 बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन जो टर्म है वो 1957 में पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी. फ्रॉलिक नाम के फिजिस्ट ने 1950 में इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दी थी बट ये जो जानकारी थी ये सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. अकॉर्डिंग टू BCS थ्योरी लैटिस वाइब्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना. बार्डिन कूपर श्रीफर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लैटिस वाइब्रेशंस होती हैं वो सुपर कंडक्टिविटी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. लैटिस वाइब्रेशंस क्या होती हैं और वो कैसे सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. स्टूडेंट जो BCS थ्योरी है वो आपको एग्जाम में मैक्सिमम 6 मार्क्स की आएगी, मोस्टली ये 5 और 6 मार्क्स में पूछी जाती है. तो आप फर्स्ट टर्म इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन के अंदर डायग्राम क्या क्या बना के आएंगे, कैसे BCS थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, मींस आप कैसे बताएंगे कि लैटिस वाइब्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुपर कनेक्टिविटी फिनोमेना के अंदर. तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा लैटिस पॉजिटिव आयन से बना हुआ, ये हमारा लैटिस है जिसमें पॉइंट्स जो है मींस जो पॉजिटिव आयन्स है वो रेगुलरली अरेंज है थ्री डायमेंशन के अंदर और हर एक लैटिस पॉइंट की मींस हर एक आयन की जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है. तो इसको अच्छे से शो करने के लिए हम यहाँ पर बॉन्ड्स भी लगा देते हैं. ये सारे हमारे जो सर्कल्स हैं ये पॉजिटिव आयन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमने यहाँ पर सुपर कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लैटिस एज्यूम किया है जो कि पॉजिटिव आयन से मिलकर बना है. सारे इसमें पॉजिटिव आयन्स हैं. तो आप एक ये डायग्राम इसमें बना के आएंगे. देखिए स्टूडेंट जो आपको यहाँ पॉजिटिव आयन्स रेस्ट में नजर आ रहे हैं एक्चुअली दे आर नॉट इन रेस्ट, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन लाइक दिस. दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन, दे आर नॉट इन रेस्ट. जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास जैसे कॉपर है मर्करी है उनके अंदर जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं ये जो इनकी मूवमेंट है अबाउट देयर मेन पोजीशन इन पॉजिटिव आयन्स की वो बहुत कम होती है जिसके कारण जो इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वो बिना किसी रुकावट के इसमें से पास हो जाते हैं. एज्यूम कीजिए अगर ये जो लैटिस वाइब्रेशंस है इन आयन्स की बहुत ज़्यादा होती, अगर ये आयन जो है वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही होती मीन्स लैटिस वाइब्रेशंस का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता क्या इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्रीली पास कर सकता, नहीं कर सकता. अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली पास नहीं कर रहा मीन्स इस ये जो हमारा सब्सटेंस है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन के पाथ में और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा फ्रॉम वन एंड टू द अनदर मीन्स ये पुअर कंडक्टर बन जाएगा. जो हमारे बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं सिल्वर और मर्करी उनके अंदर ही लैटिस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली इस लैटिस में से पास कर जाते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अनदर और वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं. तो लैटिस वाइब्रेशन इस प्रकार से
जो किसी भी संस्थान से कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो हम यहाँ सुपर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लैटिस अज्यूम किया है पॉजिटिव आयंस का। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम बॉन्ड बना देते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन वाले लैटिस में एंटर करता है, मान लीजिए हम वो नेक्स्ट फिगर में शो करेंगे ये केस जब एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन से बने हुए लैटिस में एंटर करेगा तो क्या होगा। यहाँ भी हम बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं, इससे हमारा समझना आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस लैटिस के अंदर एंटर कर गया, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा स्टूडेंट जी, जो पॉजिटिव आयन्स है इसके चारों तरफ, इसके आसपास जो पॉजिटिव आयन्स है इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो अट्रैक्ट होने के बाद अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड्स थी वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। किस तरह से डिस्टॉर्ट होंगी, ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। तो ये सारी बॉन्ड जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन पॉजिटिव आयंस के द्वारा अट्रैक्ट होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके लैटिस में प्रोड्यूस हो जाएगी डिस्टॉर्शन। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और चार पॉजिटिव आयंस हैं, तो आप ये क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पर कैसा रीजन क्रिएट हो जाएगा, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का रीजन क्रिएट हो जाएगा और इसी रीजन को बोलते हैं हम फोनॉन। फोनॉन इज अ रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसी वर्चुअल पार्टिकल को हम बोल रहे हैं फोनॉन, जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने इस लैटिस डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर दी है इस लैटिस के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेगा तो अगला पोर्शन जो है इस लैटिस का वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पिछला अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इस तरह से ये फोनॉन जो है पूरे लैटिस के अंदर मूव करेगा, मींस रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो पूरे लैटिस में आगे आगे मूव करेगी और लैटिस डिस्टॉर्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती जाएंगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स बहुत सारी लैटिस डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होंगी, मीन्स बहुत सारे रीजन क्रिएट होंगे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के। एक तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया फोनॉन क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिगर में कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लैटिस में एंटर करेगा तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पिछले फिगर में जब इलेक्ट्रॉन इस लैटिस के अंदर जो कि पॉजिटिव आयंस से मिलकर बना था जब वो एंटर हुआ था, तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो इनके बीच में लगेगी कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, मींस ये जो इनका इंट्रैक्शन होगा वो कोलंबियन इंट्रैक्शन होगा। अब देखेंगे कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करेगा तो क्या होगा। तो पहले हम यहाँ बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो सेम वही एक फोनॉन यहाँ पर बना लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एंटर कर चुका है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है, तो ये जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुकी है लैटिस डिस्टॉर्शन, जिसको हम बोलते हैं फोनॉन। हम यहाँ पर अभी एक ही फोनॉन की बात कर रहे हैं, देयर कैन बी नंबर ऑफ फोनॉन्स लाइक दिस। इस तरह से जो लैटिस की वो है वो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो चुकी थी और एक फोनॉन क्रिएट हो चुका था। फोनॉन जो है वो रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है क्योंकि यहाँ पर चार पॉजिटिव आयंस और अकेला इलेक्ट्रॉन है और ये है हमारा फोनॉन। अब क्या होगा, अब मान लीजिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लैटिस के अंदर एंटर करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है लैटिस के अंदर, तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होनी चाहिए रिपल्शन, बट यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का रीजन है जिसको हम फोनॉन बोल रहे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स फोनॉन और इलेक्ट्रॉन में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्सेस से कई गुना ज्यादा होंगी। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में एक वीक लिंक फॉर्म कर लेंगे,
तो ये जो वीक लिंक बना है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, वो इस फोनोन के थ्रू हुआ है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाले रीजन के कारण हुआ है, इसलिए इस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पर हमारे दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में पेयर अप हो चुके हैं और इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है कूपर पेयर्स। ऐसे बहुत सारे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सुपर कनेक्टर के अंदर, तो जो सुपर कनेक्टिविटी होती है किसी भी सुपर कनेक्टिंग मटेरियल के अंदर वो इन्हीं कूपर पेयर्स की वजह से होती है। कूपर पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में एक वीक लिंक बन जाता है बाया एक फोनोन, एक फोनोन के थ्रू इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक लिंक बना और इसी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। तो आपने स्टूडेंट्स ये तीन डायग्राम्स बना के आने हैं इसके अंदर। अब थ्योरी वाले पार्ट में क्या लिख के आएंगे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन वाले टर्म के अंदर, वो देखेंगे अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप फर्स्ट टर्म की थ्योरी में क्या ऐड करके आएंगे। आप वही ऐड करके आएंगे जो मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था। When an electron passes through the lattice, it interacts with positive ions electrostatically. That is, Coulombian attraction takes place between electron and positive ions. जब एक electron इस positive ions वाले lattice में से pass करेगा तो होगा क्या? इस electron जो कि negatively charged होता है और ये जो positive ions है इनके बीच में interaction होगा, वो interaction होगा electrostatic, means positive ions और negative charge electron के बीच में कोलंबियन अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी। उसके बाद क्या होगा? एज ए रिजल्ट लैटिस गेट डिस्टॉर्टेड एंड अ रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएटेड व्हिच इज कॉल्ड अ फोनोन। जिसके कारण होगा क्या, ये पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक लैटिस के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं फोनोन। यहाँ पर जो फोनोन है, यहाँ पर जो रीजन है, ये हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का रीजन है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, तो ये जो फोनोन क्रिएट हुआ है इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब फोनोन प्रोड्यूस हो चुका है, फोनोन प्रोड्यूस होने के बाद आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे। When another electron enters the lattice, it will be attracted by this region of high positive charge density, that is phonon. जब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर एंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और ये है रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर हुआ है लैटिस के अंदर, इस फोनोन की तरफ अट्रैक्ट होगा। That is, two electrons will form a weak link between them instead of Coulombian repulsion between them. यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, पहला इलेक्ट्रॉन जिसने ये फोनोन प्रोड्यूस किया, मीन्स रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट किया, और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्सेस लगनी चाहिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों नेगेटिवली चार्ज है, बट ये जो रीजन है हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगी वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेंगी, उनसे ज्यादा होंगी ये। इन दिस वे सेकंड इलेक्ट्रॉन हैज इंटरेक्टेड विद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू फोनोन। इस प्रकार सेकंड इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया इस फोनोन के थ्रू। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, जो कि सुपर कनेक्टिविटी का कारण माना जाता है अकॉर्डिंग टू BCS थ्योरी। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने साथ घसीटता हुआ, मींस ड्रैग करता हुआ लेके जाएगा, और ये जो कूपर पेयर बना है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर बना है बड़े ही आराम से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो कर जाएगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। इस तरह से सुपर कंडक्टर्स के अंदर बिना किसी रुकावट के करंट फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ कूपर पेयर्स। फर्स्ट पॉइंट में अभी एक डायग्राम और बनाना बाकी रह गया है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट, BCS थ्योरी जैसा कि नाम से पता लग रहा है इसमें सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है और दो तीन डायग्राम्स हैं, तो आपको ये 5 या 6 मार्क्स लेने के लिए इसमें एक और फिगर ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और उस फिगर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये समझ के एक्सप्लेन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव नेचर शो करते हैं, तो उनके पास एक वेव वेक्टर भी होगा और वेव वेक्टर को डिनोट किया जाता है के वेक्टर से। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव वेक्टर है के वेक्टर, तो इसने एक फोनोन एमिट किया,
एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और उसने एक फोनोन एमिट किया, और उस फोनोन को हम इस ऐसे इस जिगजैग लाइन से शो करेंगे, और ये फोनोन है हमारा क्यू वेक्टर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने फोनोन एमिट किया था क्यू वेक्टर, वो खुद स्कैटर हो गया एस के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर की फॉर्म में। और एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से जिसका वेव वेक्टर है के डैश वेक्टर, वो इस फोनोन को एब्जॉर्ब करेगा और स्कैटर हो जाएगा एस के डैश वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो एक इलेक्ट्रॉन था जिसका वेव वेक्टर था के वेक्टर, उसने फोनोन क्यू वेक्टर एमिट किया, फोनोन को हमने जिगजैग लाइन से शो किया, और ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन था ये स्कैटर हो गया फोनोन क्यू वेक्टर एमिट करके इन द फॉर्म के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर की फॉर्म में। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन था जिसका वेव वेक्टर था के डैश वेक्टर, उसने इस फोनोन को एब्जॉर्ब किया और स्कैटर हो गया फोनोन को एब्जॉर्ब करने के बाद के डैश वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम भी एक्सप्लेन करके आएंगे और इसमें आप लिखेंगे क्या, आइए वो देखते हैं। लेट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैव वेव वेक्टर के वेक्टर, जो पहला इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर एंटर किया था उसका वेव वेक्टर हमने के वेक्टर मान लिया, एंड इट एमिट्स अ फोनोन क्यू वेक्टर व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन विद वेव वेक्टर के डैश वेक्टर। उसने एक फोनोन एमिट किया क्यू वेक्टर जिसको सेकंड इलेक्ट्रॉन जिसका वेव वेक्टर के डैश वेक्टर था उसने अब्सॉर्ब कर लिया। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो स्कैटर हो जाएगा इन द फॉर्म के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर की फॉर्म में, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन था वो स्कैटर हो जाएगा इन द फॉर्म के डैश वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सेकंड इलेक्ट्रॉन ने फोनोन को अब्सॉर्ब किया तो प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने फोनोन एमिट किया है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये फिगर भी आपकी बुक्स में बना हुआ है, ये भी आप बना के आएंगे। तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे सेकंड टर्म बीसीएस थ्योरी की जो की है कूपर पेयर, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ बीसीएस थ्योरी, दैट इज कूपर पेयर। अ कूपर पेयर इज फॉर्मड व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू फोनोन अट्रैक्टिवली एंड बाय ओवरकमिंग द कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्सेस। एक कूपर पेयर कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक फोनोन के थ्रू, मींस फोनोन जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में इंटरैक्ट करवाने में हमारी हेल्प करवाता है। तो मींस जब इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगा तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक वीक लिंक फॉर्म होगा और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोला जाता है कूपर पेयर। और कूपर पेयर में इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो काउंट नहीं की जाती, क्योंकि इस फोनोन जो कि रीजन है हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो ओवरकम कर लेगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाली कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्सेस को। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कूपर पेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कूपर पेयर की जो बाइंडिंग एनर्जी है, मींस वो एनर्जी जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के वीक लिंक को तोड़ने के लिए चाहिए वो बहुत कम होती है, वो होती है 10^-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया इस सुपर कनेक्टर का तो इन कूपर पेयर्स के बीच में जो वीक लिंक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो वीक लिंक है वो टूट जाएगा और आपकी सुपर कनेक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सुपर कनेक्टर जो है वो नॉर्मल कनेक्टर बन जाएगा। तो जो आपकी सुपर कनेक्टर है वो हमेशा लो टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। As super conductivity phenomena is due to these Cooper pairs. Super conductivity phenomena इन्हीं Cooper pairs की वजह से होती है किसी भी substance के अंदर। The super conductivity is a low temperature phenomena. क्योंकि इनकी binding energy बहुत कम है Cooper pairs की, 10^-3 electron volt है। तो आपको temperature जो है super conductor का बहुत कम रखना पड़ता है, और उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके नीचे रखना पड़ता है तब जाकर कोई सब्सटेंस जो है वो सुपर कनेक्टर की तरह बिहेव करता है, तभी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वीक लिंक फॉर्म हो पाता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कूपर पेयर हैव ऑपोजिट स्पिन। इसकी स्पिन मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसलिए इन दोनों की जो स्पिन का टोटल होगा, मींस एक कूपर पेयर की जो स्पिन का टोटल होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा, hence total spin of Cooper pair is zero। तो इतना आप Cooper pair के अंदर लिखेंगे, बाकी दो चार लाइनें और बची हैं Cooper pair में ऐड करने वाली, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स Cooper pair में आप और क्या ऐड करके आएंगे आइए वो देखते हैं। As total spin of Cooper pair is zero, so they behave as bosons। क्योंकि Cooper pair की जो स्पिन होती है टोटल स्पिन वो जीरो होती है, इसलिए वो bosons की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि bosons की भी टोटल स्पिन जीरो होती है। क्योंकि ये बोसॉन्स की तरह बिहेव करते हैं इसलिए ये बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ये लाइन भी आप ऐड करेंगे, हेंस दे फॉलो बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। हेंस टेंपरेचर एट टेंपरेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेंपरेचर टीसी कूपर पेयर्स आर ब्रोकन रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन ऑफ सुपर कनेक्टिंग स्टेट इनटू नॉर्मल स्टेट। जब टेंपरेचर जो है क्रिटिकल टेंपरेचर से ज्यादा हो जाता है तो ये कूपर पेयर्स के बीच में जो लिंक अप है वो इंटरेक्शन जो है वो टूट जाता है और सब्सटेंस जो है वो सुपर कनेक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है
बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें हमने अपने इंट्रोडक्शन लिखना है और इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एक्सप्लेन करना है, उसमें आपने दो या तीन डायग्राम बनाने हैं जो मैंने आपको पिछले सेक्शन से बताए, फिर आपने कूपर पेयर्स के बारे में भी थ्योरी में काफी लाइन्स ऐड करनी है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इतना लिख आते हैं तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।